सबसे पहले हमें पिज़्ज़ा की मोल्ड पे सॉस लगानी है, फिर हमें तवे पे थोड़ा सा तेल डालना है और इसे सेटल होने देना है तवे पे। अब हमें ब्रेड पे थोड़ी सी चीज़ डालनी है, आप कोई सी भी चीज़ डाल सकते हैं, मोज़रेला, श्रेडेड तो बेस्ट होती है, मतलब इजी होता है, ईजिली पिघल जाती है। अच्छे से चीज़ को स्प्रेड होने दीजिए। अब हमें इस पे हमारे जो कैप्सिकम और प्याज है उसे रख देना है, थोड़ा डालना है थोड़ा डाल सकते हैं, ज़्यादा डालना है ज़्यादा, आपकी मर्जी। प्याज डल चुकी है, अब टमाटर डालना है। चॉप्ड टमाटर है, बहुत गीला टमाटर था इसलिए मैश हो गया, अच्छे से इसे स्प्रेड होने देना। फिर आखिर में हमें कैप्सिकम डालनी है, मुझे कैप्सिकम बहुत पसंद है। अब इस पे हमें एक और चीज़ का पैकेट खोलना है, और सेम टू सेम अच्छे से ऊपर डाल देना है, स्प्रेड होने दीजिए उसे भी। ध्यान रखना कि प्याज और टमाटर के ऊपर ही जाए, नहीं तो फिर ज़्यादा चीज़ हो जाएगी नीचे। तो चीज़ डल चुकी है, अब जो हमारा तेल गरम हो रहा था उसे, गैस पे जो तेल गरम होता है उस पर ये डाल देना है धीरे धीरे। गाइस पिज़्ज़े मतलब जो गरम हो रहा है पिज़्ज़ा उसके ऊपर एक कुछ कवर रख देना, कुछ थालिया कुछ, ताकि वो बेक हो पाए। तो गाइस पिज़्ज़ा ये बना है, बहुत अच्छा दिख रहा है, मैं खा के बाद में अगली वीडियो में बताता हूँ कि